सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। ग्रामीण चौकीदारों को मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से अपराधियों के माफिक उठाकर बैठाया कोतवाली बलिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम पुलिस लाइन बलिया में था। उस कार्यक्रम में शिरकत करने तथा अपनी तनख्वाह की वृद्धि के लिए ज्ञापन देने आए ग्रामीण चौकीदारों को बलिया पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर बलिया कोतवाली में लगभग 5 घंटे तक बिना कुछ खाना पीना दिए हुए अपराधियों के माफिक बैठा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हीं चौकीदारों में से किसी एक चौकीदार का भूखे रहने से तबियत खराब हुआ, तो आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन ने उस चौकीदार को जिला अस्पताल भर्ती कराते हुए अन्य चौकीदारों को रिहा कर दिया। क्या नाम है आपका? उमा शंकर यादव। उमा शंकर, कहाँ के रहने वाले हो? रसड़ा ग्राम मंदा के। क्या मामला है अभी आप लोग यहाँ आए हैं? सर, हम लोग अपना ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब को आए थे बलिया में देने के लिए। हमारे कुछ प्रदेश अध्यक्ष सदानंद पासवान को थाने पर गिरफ्तार कर लिया गया और शाम को हम लोग को भी बुलाया गया। किसी को सूचना मिली, किसी को नहीं मिली, तो हमको सूचना मिली। हम लोग जिला पाया कि अपना ज्ञापन देंगे। 10 बजे जिला में हम लोग हाजिर हुए। हम लोग यहीं से पकड़ करके और ले जाकर कोतवाली में बंद कर दिया गया। उसमें हम लोग को नाश्ता पानी बताशा मिला है और हमारा एक भाई उसमें भी बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भी सर उसको पहुँचाए हैं और वहीं पर जा रहे हैं मिलने के लिए। अच्छा, किस लिए आप लोग आए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? सर, हम लोग का 2500 में सर हमारे परिवार का पेट नहीं भर रहा है। सर, पालन पोषण नहीं हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, हमारा पेट खर्चा सर नहीं चल रहा है। आखिर आप लोगों को गिरफ्तार किसने कर लिया, कहाँ से किया? पंडाल से। सर, यही पंडाल से हम लोग कोतवाली के सिपाही जी और तमाम लोग थे, ले जाकर वहाँ हम लोग को बैठा दिए। सर, किस पंडाल से आप लोगों को गिरफ्तार किया? सर, यहीं से, यही कलेक्ट्रेट ऑफिस से हमको पकड़ लिया गया। इसी रास्ते से जा रहे थे और सर यहीं पर हमको पकड़ लिया गया। आपका काम क्या है सर? सर, हम लोग चौकीदार हैं, अपनी मांग के लिए आए हैं सर। लखनऊ से यहाँ तक हम लोग हजारों बार लड़ाई लड़े। अंग्रेज के ज़माने से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, थाने में भी प्रताड़ित होते हैं और गांव में भी जनता हमको प्रताड़ित करती है। किसी का सही गलत अगर दे दिया गया तो वहां पर भी हम धोखा खाते हैं और थाने में भी धोखा खाते हैं। थाने में क्या करते हैं? सर, थाने में वही उन लोग झाड़ू मार देते हैं, टिफिन पहुंचा देते हैं, साफ सफाई सब हम लोग करते हैं। किसका कपड़ा धोते हैं सर? दरोगा जी के, मुंशी जी के। रंगीला पासवान, थाना फेफना। हम लोग सर झाड़ू मरवाया जाता है, दरोगा जी के कपड़ा खिंचवाते हैं, घास छिलवाते हैं और हम लोग उठू करने पर मुंशी दीवान कहते हैं कि आप लोग का नौकरी खा जाएंगे। आपके थाने का थानेदार कौन है? हमारे थाने का थानेदार पारसनाथ सिंह है। क्या बोलते हैं आप लोगों से? वो कहते हैं कि आपका नौकरी खा जाएंगे, अब मीटिंग कराने के बहाने घास छिलवाते हैं। और क्या क्या काम करते हैं थाने पे? सर, वो कपड़ा से खिंचवाते हैं और बर्तन धोवाते हैं। ऐसा है ना, सही बताओगे तो हम चौकीदार संघ के अध्यक्ष हैं जी, और हर थाने से फोन आता है जिसमें कि दरोगा साहब लोग हमसे बर्तन मंजवाते हैं, कपड़ा खिंचवाते हैं जी। और हर मैं जब जाता भी हूँ हर थाने पर, कहता हूँ कि सर हम लोग भी एक इंसान है, जो हमारा काम है वही हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं जी। इस बात को लेकर के हमने कदम उठाया है कि प्रताड़ित हो रहे भाइयों को इंसाफ दिलाना है, चाहे जिस तरह से हम दिला। तो आप किस तरह का इंसाफ दिलाने के लिए कहाँ आए थे? सर, हम जो भी अगर काम कर रहे हैं, एक भाई कहा कि गोड़ तू करते हैं लोग, एक भाई कहा कि बर्तन मंजवाते हैं लोग, एक भाई कहा कि घास छिलवाते हैं लोग, जो रेगुलेशन में लिखा गया है वही होना चाहिए। हम लोगों के साथ में रेगुलेशन के तहत वो लोग डिप्टी ले, एक सम्मानपूर्वक डिप्टी ले, क्योंकि हम लोग भी अंग्रेज के ज़माने से ग्रामीण चौकीदार हैं। थाने में और क्या क्या काम कराए जाते हैं? सर, वो तो एक भाई बताया ना, उसी को हम अभी आप सुने, एक भाई बताया कि घास छिलवाया जाता है, बर्तन मंजवाया जाता है। और क्या हाँ? कहाँ आए थे आप लोग, किसके कार्यक्रम में? सर, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आए थे जिसमें सूचना गई थी कि किसी को जाना नहीं है। हमारे भाई प्रताड़ित है, सोच रहे थे कि हम लोग जब अपने जिला में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं
तो हम एक भारत का नागरिक होने के नाते हम लोग का भी अधिकार है अपनी बात कहने का, और एक चौकीदार होने के नाते तो हम लोग आए और पंडाल से धा धा करके और सुबह 9 बजे से अभी तक हम लोगों को कोतवाली जेल में बैठाया गया था। सुबह से आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जो हम लोगों को ले जा करके कप्तान महोदय ने बताया किला है और एक भाई बीमार है, अस्पताल में है, मरने के कगार पर है और हम लोग अभिलाषा लेकर आए, मुख्यमंत्री जी को देख भी नहीं पाए और आप छोड़ो हम लोग को आप छोड़ा जा रहा है। आखिर हम लोग क्या करें, हम लोग एक ग्रामीण चौकीदार है, गांव में घटना होती है तो हम लोग सूचना देते हैं, हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, हमारा जो कि 2500 रुपया वेतन दिया जाता है, हमारे लोग लड़का भी नहीं जीता है, खाने भी ना, बच्चे भी मरते हैं, कपड़े के लिए मरते हैं, हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है सरकार को। और कहा जा रहा है कि तुम लोग को अगर जाओगे तो FIR लिख जाएगी, थाने में बंद कर देंगे, FIR कर देंगे, तेरी नौकरी ले लेंगे, ऐसे हमको हार कहा जाता है। गंदी गंदी बातों का भी प्रयोग किया गया हम लोग के साथ में। किसके द्वारा? सिपाही और पुलिस द्वारा। आईडी लगवाई।